गांधरबल जिला जंगलात के लिहाज से काफी मालामाल है, ताहम कुछ लोग इन जंगलात में गैर कानूनी पेड़ काट कर इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगरची महकमा जंगलात के तहफ्फुज के लिए इकदाम करवा रहा है, ताहम जंगल स्मगलर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। महकमे के एदाद व शुमार के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 500 CFT इमारती लकड़ी जब्त की, जबकि इस मुद्दत के दौरान 90 FIR भी दर्ज किए गए। इस हवाले से DFO सिंध मीर ओवैस ने तफसीलात फराम देते हुए कहा, देखिए जहाँ तक अगर अपने डिवीजन से डिवीजन की बात करूँ तो पिछले एक साल में, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है कोविड जब ये साल स्टार्ट हो गया पिछला फाइनेंशियल ईयर, तो कोविड के बड़े लॉकडाउन मेजर्स हुए थे, तो लॉकडाउन में भी स्पेसिफिक मेजर्स उठाए गए थे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। तो अगर डेटा के हिसाब से मैं आपको बता दूँ तो कुछ 19 FIRs हमने रजिस्टर किए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और अराउंड मोर देन 500 CFTs जो है हमने सीजर किया हुआ है। 19 FIRs में अराउंड 37 कल्प्रिट्स वर इन्वॉल्व, जिनका फर्स्ट FIR लग गया और देन केसेस गोइंग ऑन टू कोर्ट, उसमें बहुत सारे अरेस्ट्स भी हो गए, तो सर्टेन पीपल आर आउटसाइड ऑन बेल एज वेल, एक दो तो अभी एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस को लग नहीं रहे। तो आगे भी जाके जैसा आपको पता है हमारा जो मोडस ऑपरेंडी रहता है वो ये है कि नॉर्मली जो हम जंगल में पेट्रोलिंग पे जाते हैं, उसके अलावा जो अगर कहीं पे इलीगल ट्रांजिट हो रहा है लकड़ी का, तो हमारे चेक पोस्ट्स लगे हुए हैं, या जो हमारा फॉरेस्ट स्टाफ है, फॉरेस्ट का जो अमला है, वो नाइट पेट्रोलिंग पे जाते हैं, और इसमें हम पुलिस की भी जो कोऑपरेशन हमें सीख करनी होती है, उसमें जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनका फौक्तन हमेशा साथ रहता है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वी आल्सो टेक देयर असिस्टेंस जो है इसको कर्व करने में। तो आप क्या वजूहत समझे इलीगल एक्सट्रैक्शन के लिए जंगल नहीं, 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 एक चीज़ है, देखिए इसमें मैं आपको कहता हूँ कि जंगल के जो रिसोर्सेज हैं दे आर क्वाइट ओपन, तो ऐसा नहीं है कि कहीं ताले में लॉक में बंद हैं, तो दे आर क्वाइट ओपन, दे विल बी सब्जेक्ट टू डैमेज। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहती है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अमले के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहती है, वो है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पे डैमेज होता है तो उसकी कॉग्निजेंस हुई है, उसका बाज़ाब्ता तौर से फिर वेरिफिकेशन हुई है, देन अगर कहीं कल्प्रिट फंस गया, लग गया, आइडेंटिफाई हो गया, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने समझ लिया, वो भी आपका ठीक है। अवेयरनेस के लिहाज से मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसा आप सबको पता है अभी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया J&K में, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, उसमें जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लोकल कम्युनिटीज़ या फॉरेस्ट फील्ड कम्युनिटीज़ के साथ एक जो अटैचमेंट जो यहाँ पे जिसकी कमी थी पहले, तो वो उस एक्ट के थ्रू हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही लोकल कम्युनिटीज़ के राइट्स एस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो उसमें फिर उनसे एज़ पर एक्ट जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी के नज़दीक जो जंगल है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटीज़ हैं एज़ पर एक्ट। तो वो जो एक जो तालमेल में जो एक कमी लग रही थी आज तक, तो वो इस एक्ट के थ्रू जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो वो अपने प्रवर्तन हुए अवेयरनेस तो हम एज ए डिवीजन करते ही रहे हैं, लेकिन लोगों को भी ये बात समझने, आपकी वसादत से ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ऑनली गार्डियन ऑफ दिस फॉरेस्ट। असल में तो ये जो है रिसोर्सेज ये लोगों के, वहाँ की कम्युनिटी के, वहाँ के लोगों के, तो उनको भी ज़रूरी ये चीज़ समझनी है कि वो इस रिसोर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। नाजरीन, अगरची जंगलात की हिफाजत महकमा जंगलात की जिम्मेदारी है, ताहम लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जंगलात के तहफ्फुज़ के लिए अपना रोल निभाएं। गांधरबल से लाजवाल के लिए फिरोज खान के साथ मुख्तार शाह।